बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में अर्थशास्त्र के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने देखा कि सांख्यिकी को हम इकट्ठा कैसे, संग्रहित कैसे करते हैं, व्यवस्थीकरण कैसे करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, उसके साथ साथ उसको हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें हमने आप लोग को ये भी बताया था, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और सतत श्रेणी, ये जो हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो ज्ञात करेंगे वो ये सारी श्रेणियाँ जो हैं उसके अंतर्गत ही हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सांख्यिकी माध्यों को ज्ञात करने के लिए कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है माध्य, फिर है माध्यिका है, फिर बहुलक है। इन सब में जो है हम जो देखेंगे उसमें व्यक्तिगत श्रेणी रहेगी, खंडित श्रेणी भी रहेगी और साथ ही साथ सतत श्रेणी भी रहेगी। अब इसमें सबसे पहले हम आज जो पढ़ेंगे वह हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। इसमें अंकगणित माध्य वह है, मूल वह मूल है जो किसी समंक श्रेणी के समस्त पदों के मूल के योग को उसकी संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे हम माध्य कहते हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है 10वीं में भी पढ़े होंगे। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि समांतर माध्य को कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि हमने परिभाषा में देखा कि जो पदों के मूल्यों का जो योग होता है उसमें संख्या का भाग देने से हमें माध्य ज्ञात होता है। वह ये सूत्र है, पद मूल्यों का योग पद मूल्यों की संख्या से हम भाग देंगे तो हमें माध्य ज्ञात हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे समांतर माध्य और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत। इसमें दो रीतियां हैं, प्रत्यक्ष रीति और लघु रीति। प्रत्यक्ष रीति का सूत्र है ए बराबर सिग्मा एम बटे एन। ए का मतलब है माध्य, ई एम का मतलब है मूल्यों का योग और एन का मतलब है पदों की संख्या। फिर हम देखेंगे लघु रीति का जो है वह सूत्र क्या है। इसमें ए जो है ए बराबर एक्स प्लस सिग्मा डी एक्स बटे एन। तो इसमें ए जो है अंकगणित माध्य है, एक्स जो है कल्पित माध्य को दर्शाता है और जो सिग्मा डी एक्स जो है विचलनों के योग। विचलन क्या है अभी हम आगे गणित करेंगे तो उसमें समझ में जाएगा आपका विचलन क्या है। एन जो है वह पदों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि पांच व्यक्तियों की जो मासिक व्यय है उसको हमने लिया है। यहाँ पर ये जो पूरे पांच व्यक्तियों की जो संख्या दी हुई है इसको हम पहले जोड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर 132 प्लस 140 प्लस 144 प्लस 136 प्लस 148। अब ये कितने हैं, ये संख्या जो है वह पांच व्यक्तियों की संख्या हो गई। अब इसके नीचे आ गया ये पाँच। जब हमने इनको टोटल किया तो ये आ गया 700 बटे पाँच। जब हमने इसे पाँच से भाग दिया ये जो है हमारा आ जाएगा 140। ये हमारा उत्तर आ गया। जैसे कि ये इसे हमने काटा तो पाँच एकम पाँच ये और ये सुन आ गया। ये हमारा जो है ये जो एक्स का मान जो है वह हमारे 140 ये निकल आया। अब देखते हैं कि यही उत्तर क्या हम लघु रीति में करेंगे तो आता है कि नहीं आता है। अब इसमें हमने ये आप लोग को सारणी जो यहाँ पर दी हुई थी वह हमने क्रम संख्या लिख के रखी हुई है और मासिक व्यय जो है उसको हम इस तरह से लिख कर रखे हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, कल्पित माध्य जो है 144 को माना है। तो यहाँ पर क्या है 144 क्या है, ये है ठीक है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें प्लस माइनस जो है वह कैसे आएगा। तो ये हमने सबसे पहले कल्पित माध्य माना, कल्पित माध्य जो 144 जो है उसमें 132 में से हम 144 को यदि हम घटाएंगे तो यह माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 12। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जो यहाँ से जो संख्या है जिसको हमने कल्पित माध्य माना है इससे ये चीज़ें घटेगी, इसलिए ये संख्या छोटी है इसलिए ये माइनस में जा रहा है। उसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4 क्योंकि 140 क्योंकि जो बड़ी छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में जाता है। तो यहाँ पर जब हम 136 में से 144 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 8। और फिर उसके बाद फिर हम 144 में से 148 में से जब हम 144 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4। अब प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 48 बड़ा है और 44 क्या है, छोटा है। अब यहाँ पर हम टोटल कैसे करेंगे, पहले तो सर माइनस माइनस को टोटल करेंगे। यहाँ पर जैसे 12
12 चार 16 और 8 कितना हो गया 24, ये हमारा माइनस में हो गया 24 और प्लस में हो गया कितना 4। जब ये हमने इसको किया तो हमारे पास जो है वह हमको कितना मिला, ये हमको मिला 20। ये क्या है, सिग्मा डी एक्स, ये जो है हमारा सिग्मा डी एक्स है। तो अब इसको हम सूत्र में कैसे रखेंगे, सूत्र हमारा क्या था, ए ए बराबर कल्पित माध्य फिर प्लस सिग्मा डी एक्स बटे एन, ये सूत्र था। तो इसमें हमने अब देखेंगे जो हमने कल्पित माध्य माना था 144 है, फिर जो हमारा डी एक्स कितना मिला हमको, ये माइनस में है ये, क्योंकि 24 बड़ा है, 24 से हमने इसको घटाया तो ये माइनस हमारे पास ये 20 है, इसके बटे ये 5 है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर देख रहे थे ये जब हमने किया a बराबर एक्स और प्लस सिग्मा डी एक्स एन, फिर यहाँ पर 144 धन 20 बटे 5, 20 जो है माइनस है तो हमने यहाँ पर किया, फिर उसके बाद 144 धन यहाँ पर हमको क्या मिला ऋण 4। तो हम 144 में ये धन है और ये ऋण है, जब धन और ऋण होता है तो ये ऋण होता है, इसलिए हमने 144 ऋण 4 किया। जब इसको हम घटाया तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया 140 मिल गया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 140 जो है, 140 जो है यहाँ हमने लघु रीति से निकाला है और यहाँ पर जो है हमने प्रत्यक्ष रीति से निकाले थे। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि x का मान जो है जो हमने प्रत्यक्ष रीति से निकाला वो भी 140 है और जो हमने लघु रीति से निकाला वो भी 140 है। इसका मतलब ये है कि हमारा समांतर माध्य जो है वह सही है। फिर हम देख यहाँ पर हमने गृह कार्य आप लोगों को दिया हुआ है, ये जो गृह कार्य है ये आप लोगों को करना है, ये तीन गणित हैं और ये तीनों गणित जो है आपको प्रत्यक्ष और लघु रीति दोनों से ही करना है, और दोनों ही रीति से जब करोगे तो दोनों के उत्तर जो है प्रत्यक्ष से भी वही आएगा और लघु रीति से भी वही आएगा, इसलिए आप लोग को ये कॉपी में करना है।